आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। हमारे खास शो चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 सीटों में पहुंच रही है और वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच जाकर हम उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों के बारे में पता लगा रहे हैं। तो चुनावी चौपाल में आज देखिए बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र का सियासी माहौल, संवाददाता प्रेमदान देथा के साथ। नमस्कार। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव नजदीक आ चुके हैं और विधानसभा चुनावों से पहले हम विधानसभा के अंदर किस तरीके के कार्य हुए इसको लेके आज हम करेंगे बाड़मेर विधानसभा की चुनावी चौपाल। और इस चौपाल के अंदर हम जानेंगे किस तरीके का विधायक ने काम किया है और कितने लोग विधायक के कार्य से खुश है इसको लेके हम बातचीत करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं हमारे साथ में, इनसे बातचीत करेंगे किस तरीके के काम हुए इसके विधायक के कार्यकाल में। माननीय मेवाराम जैन विधायक के नेतृत्व में बाड़मेर में चौमुखी विकास बही है गंगा। विकास के कार्य में बाड़मेर की जनता और बाड़मेर विधानसभा के लोग 100% सही है। अच्छा, विधायक के कार्य से 100% संतुष्ट है, आपका क्या कहना है? मैं तो इनको पूछना चाहता हूँ, ये नगर परिषद के उप सभापति है बाड़मेर नगर परिषद के, हालात अभी थोड़े आगे चलिए, सड़कों के क्या हाल है, शिविर सिस्टम के क्या हाल है, बारिश जब होती है तो लोअर जोन की हमारी जो बस्तियां हैं उसके अंदर पानी अभी भी भरा हुआ है। और नगर परिषद बाड़मेर राजस्थान का एक नंबर का सबसे भ्रष्ट अगर नगर परिषद को है तो नगर परिषद बाड़मेर है। सबसे बड़ा आरोप लग गया है नगर परिषद के ऊपर, एक नंबर का भ्रष्ट है। हमारे साथ में सभापति, आपका क्या कहना भ्रष्ट नगर परिषद के? भारतीय जनता पार्टी का एक ही विजन है, झूठ बोलो और जोर से बोलो, ठीक है ना। इनको पूछो तुम्हारा कोई विजन है कोई विकास का? जहाँ आते हैं इनके भी आपने देखी हुई परिवर्तन यात्राएं देखी हुई, जनता को रैली देखी, मंचों के ऊपर कहते हैं कि ईडी भेजेंगे ईडी भेजेंगे, उनको पूछोगे वो जनता विकास के मुद्दे चाहते हैं। आपने विकास किया क्या धरातल पे? आपके केंद्रीय मंत्री यहाँ आए, यहाँ के जो सांसद है वो केंद्र सरकार में मंत्री है, उनको पूछोगे 5 सालों में आपने एक ढंग की ट्रेन ही दी है बाड़मेर को, एक रुपया भी बाड़मेर में कहीं आपने बाड़मेर जिले के अंदर आपने इतने भारी मतलब यहाँ पर रेलवे स्टेशन बन रहा है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन बन रहा है, आम जनता को क्या इससे फायदा? आम जनता की रात के लिए आप लोग स्टेशन जो बड़े पहले ही बने हुए थे, ट्रेनें पहले ही चली हुई थी। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जोधपुर के अंदर जो ये एक दो ट्रेनों की जो वावई झूठी वावई ले रहे ना, जोधपुर के अंदर जिन ट्रेनों की यार्ड के अंदर खड़ी करने की जगह नहीं है उन ट्रेनों को, जो घिसी पिछी ट्रेन है उन ट्रेनों को ये बाड़मेर तक लेके आ रहे हैं। ये किसी भी तरीके का बीजेपी के जो है केंद्रीय मंत्री उन्होंने काम नहीं किया है। हमारे साथ में महिला भी है, आपका क्या मानना है किस तरीके का काम हुआ है? मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है, अभी नगर पालिका चेयरमैन कह रहे हैं कि बाड़मेर में जो रेलवे स्टेशन बन रहा है उससे आम जनता के लोगों को कोई फायदा नहीं है। कमाल की बात है, एक रेल जो होती है इतना बुनियादी साधन है हर आम आदमी के लिए, एक आम जनता के लिए, उसके लिए ये कह रहे हैं कि इससे आम जनता को कोई फायदा नहीं है। ये सच कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि जो इन्होंने नगर पालिका में अपने टाइम में जो पट्टे बांटे हैं ना उसमें बहुत फायदा है, इनको भी फायदा है, इनके नेताओं को भी फायदा है। अभी इन्हीं के जो है नेता कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है 100 करोड़ का 1000 करोड़ का, तो मुझे हंसी आ रही है कि फायदे की बात तो ये अच्छी तरह समझते हैं और इन्होंने कर लिया है। बात कर रहे हैं विकास की, आप जाके देखो पूरी रोड़े जगह जगह से टूटी पड़ी है, जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, पूरी सड़कों पे गंदगी पड़ी है, सिविल लाइन सीवरेज लाइन का तो कोई अता पता ही नहीं है, जहाँ देखो वहाँ गंदगी पड़ी है। जहाँ आरोप लगाया है कि पट्टों में धांधली हुई है और इसके अंदर बड़ी तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। हमारे साथ में और भी है, आपका क्या मानना है? आप ग्रामीण क्षेत्र आ रहे हो, बहुत विकास हुआ है, सारे लोग मतलब गरीब लोग तो सब कांग्रेस सरकार से खुश है, आम लोग तो खुश है, जो ये कोई पूंजीपति है उनको कोई लग रहा है पता नहीं। आरोप लग रहा है बड़ा बड़ा कि नगर परिषद के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, आप नगर परिषद में लगातार रहते किस तरीके सिटी के अंदर काम हुए? किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, सरकार की छूट थी, खूब पट्टे दिए गए हैं, लोगों को आराम से पट्टे मिले हैं, पब्लिक खुश है, इनको लग रहा है इनके
पार्षद खुद फाइलें ले लेके पट्टे बना के गए हैं। अभी भी इनको लगा भ्रष्टाचार तो इनके घर पे हुआ होगा, बाकी तो कहीं भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इनको बीजेपी के ऊपर सीधा आरोप ये भी लग रहा है कि उनके द्वारा भ्रष्टाचार हुआ है। हमारे साथ में कुछ और लोग भी होंगे, इन नेताओं से बातचीत करेंगे। किस तरीके का काम हुआ है, आपको क्या लगता है? बाड़मेर के अंदर पिछले 5 साल से जितने भी मेवाराम जी के सिपा सलाहकार है ना, जो चारों ओर चौकड़ी है, उनका विकास हुआ है। और बाकी शहर का तो लोग देख रहे हैं क्या विकास हुआ है। और ज्यादातर मेवाराम जी के जो नजदीकी लोग हैं, विधायक के जो नजदीकी लोग हैं, उनका विकास हुआ है। हमारे साथ में कुछ और लोग भी होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या मानना है, किसका विकास हुआ है? विकास तो पूरे बाड़मेर विधानसभा पूरे को हुआ है। नमक तो हमारा खाते है और बात किसकी करते है। इन्होंने कह दिया कि विकास तो खूब हुआ है लेकिन बातें दूसरी कर रहे हैं। आपका क्या मानना है, किस तरीके का हुआ है? बाड़मेर में कोई विकास नहीं हुआ अभी तक। और बाड़मेर की जो माओ कक्षा है इनकी, जो विधायक मोदी की, जो यहाँ का जो विकास जो है इनका ढांचा, वो बिल्कुल जीरो है। और इनकी आगे की दूरदर्शी विकास के बारे में कोई योजना नहीं है। अभी मैं आपको कुछ उदाहरण बता देता हूँ बाड़मेर के। जो बाड़मेर की सीवरेज लाइन जो इनके नगर पालिका के कार्यकाल में बनी थी, वो 15 साल और नगर पालिका कार्यकाल इनका है। अभी आप पुलिस लाइन के आगे जो सीवरेज लाइन है उसको देख सकते हो, सीवरेज लाइन के कनेक्शन नहीं जुड़े हुए और वो घटिया माल उपयोग करके घटिया पाइपलाइन लगा के, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो रखे हैं। और जो सीवरेज का जो पानी है जब रोड के ऊपर आता है तो आदमी का बहना बुरा हाल हो जाता है। दूसरी आगामी और बता देता हूँ आपको, जो यहाँ पे बाईपास जो निकला है जल्दीबाजी के अंदर, जिसका बिगर प्लानिंग का, वो भविष्य के लिए जनता को और लोगों के लिए नुकसानदायक है। कारण ये है कि एक तरफ ले गई है मेडिकल कॉलेज और दूसरी तरफ लिया गया हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के बीच में से इन्होंने बाईपास जो निकला है उससे आम जनता को फायदा नहीं नुकसान होगा। यहाँ पर और भी हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। उनसे यहाँ पर कुछ अधिवक्ता भी है, आपका क्या मानना है, बाड़मेर के अंदर किस तरीके का विकास हुआ है? बाड़मेर में चरणबद्ध विकास हुआ है, सारे चिकित्सा सुविधाओं में भी अच्छा विकास हुआ है। मेडिकल कॉलेज बनी है, बड़े अच्छे से हॉस्पिटल बने हैं, बाईपास भी निकले हैं, नगर पालिका के द्वारा भी विकास किया गया है और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी अच्छा विकास हुआ है। हर तरीके की विकास हुआ है और चरणबद्ध और क्रमबद्ध विकास हुआ है और चरणबद्ध और समयबद्ध के साथ में विकास हुआ है। कुछ लोग और भी हमारे साथ में हैं, आपका क्या मानना है, किस तरीके का विकास है? सर, देयर इज नो डिफरेंस इन सेइंग एंड डूइंग इन कांग्रेस पार्टी। कथनी और करने में कांग्रेस का कोई अंतर नहीं है। जितनी राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना थी उनको अक्सर से धरातल पर लागू किया गया और आम जन, गरीब से गरीब, झोंपड़ी का जो मजदूर किसान है, वो सारे के सारे लाभान्वित हुए। आम जन जो गरीब व्यक्ति है वो लाभान्वित हुआ है। हम कुछ लोगों से, ग्रामीणों से भी बातचीत करेंगे, कितने के लाभान्वित हुए, कितने दावों में सच्चाई है और कितनी धरातल पे ये योजनाएं उतरी है, कितना लोगों को फायदा मिला है, हम बातचीत करेंगे। आपका क्या मानना है, किस तरीके का काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ। हमारे गाँव कुडला है, कुडला में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना है। उस प्लांट में देख लीजिए, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है। उसमें परसों एक आदमी खत्म हो गया, पैर फिसल गए, गंदे पानी खेतों में चला गया है। न तो कोई विधायक जी का कोई वो स्वीर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, वो खा गए सब पैसे, तो सब खा गए, कोई कुछ नहीं हो रहा। उस पानी का तो कुछ हो नहीं रहा, लोग मर रहे हैं। क्या विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ बाड़मेर के अंदर, जीरो, कोई विकास नहीं हुआ, ये इनका कहना है। और आपका क्या मानना है, किस तरीके का विकास हुआ है, ग्रामीण आप? हमारे ग्रामीण भारत संख्या 22 से आ रहे हैं, हमारा कोई विकास नहीं है। लाइटों में, नालियों में, सड़कों में सभी गंदगी बिखरी हुई है। किसी प्रकार के सफाई अभियान नगर परिषद या बोर्ड के जैसे वहाँ से कोई सफाई का कोई कार्य नहीं हो रहा है। लाइटें बिल्कुल बंद पड़ी हैं, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये समस्या सर। लाइटें बंद है, पानी जो है वो नहीं मिल रहा है, आपका क्या मानना है, किस तरीके का, पानी की कुछ व्यवस्था है कि नहीं है? पानी की खूब व्यवस्था है, लाइट की खूब व्यवस्था है, हॉस्पिटल में बहुत बढ़िया प्रबंध हो गया है, ब्रिज बन गया है, सड़कें बन गई है, बाड़मेर को डायमंड बना दिया, अभी और क्या चाहिए जनता को? बाड़मेर को डायमंड बना दिया है, ये यहाँ के ग्रामीणों का कहना है। हमारे साथ में एक बुजुर्ग भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या मानना है, किस तरीके का काम हुआ है यहाँ पर? बहुत अच्छा काम हुआ है, पानी वगैरह सब फुल है, अच्छा काम हुआ है यहाँ पर, इनका कहना है, ग्रामीण जो है। अच्छा, हमारे साथ में सभापति जी है, क्योंकि बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं नगर परिषद के ऊपर, आपका क्या कहना है? पहले तो आपको कहना चाहूंगा, शाम का समय जितने लोग बैठे हैं बीजेपी वाले, 90% तो वोट हमको कांग्रेस को देते हैं, ये मैं आपको अप्रूव कर लेना, ठीक है ना? ये जो भी यहाँ बैठे हैं ना, 90% लोग माननीय विधायक साहब के पास में आते हैं और सभी कार्य करवाते हैं, और करीब 70% तो मेरे पास में भी आते हैं, ठीक है ना? ये पार्टी बड़ी नेता बैठे उत्साही में बैठे, बाकी ये मेरे पास में आते हैं। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि मैंने पहले भी कहा है कि इनके पास में झूठी बातों के सिवाय कुछ नहीं है। आम जन को जो जिनको पट्टे दिए है ना, उनका दिल जानता है,
मुझे किसी बड़ी अच्छे सकर्द अधिकारी ने कहा कि इससे पहले जैसे कि पट्टी आज तक का इतिहास उठा के देख लेना, बीजेपी कार्यकाल में कभी कभी किसी को घर का अधिकार नहीं दिया गया। आपने अगर पट्टे दिए उसमें अगर 10% कोई त्रुटि भी है तो सरकार ने उसमें नियम दिए हैं कि उस पट्टे को आप सुनिए करके खारिज कर सकते हो। अगर आप पट्टे नहीं देते तो कम से 10% की गलती के कारण आप 90% जिनका हक था उनके अधिकार मारे जाते। सीवरेज का बड़ा आरोप लग रहा है आपके ऊपर। मैं बताना चाहूंगा कि अब ये इनके सामने कहूंगा तो इनको बुरा लगेगा। इनको पूछोगे सीवरेज का शिलान्यास तो कल हुआ है, ये कह रहे हैं इस बोर्ड में सीवरेज का शिलान्यास, सीवरेज बिछी हुई है पुलिस लाइन के आगे लिख के। इनको पूछो सीवरेज का शिलान्यास तो माननीय राजस्थान के जननायक और माननीय बाड़मेर के विधायक के प्रयासों से 97 करोड़ का बजट जो मिला है उसका शिलान्यास परसों आपने मीडिया के अंदर भी देखा होगा। पहले भी यहाँ पर सीवरेज बन चुकी है, सीवरेज बाड़मेर शहर में बिछ चुकी है, वो भी कांग्रेस का बोर्ड था। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा उसमें राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और बड़ा उनके करोड़ों अरबों का घपला हुआ और उन्होंने ऐसी मतलब दूसरे विभाग से RUDP से इन्होंने काम करवाया। उस समय सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और जो सीवरेज बिछी उसमें भारी भरकम भ्रष्टाचार हुआ है। इन्हें अपना भ्रष्टाचार दिख नहीं रहा है, उस चीज को ये छिपाने के लिए आरोप लगा दिया बीजेपी के ऊपर। बीजेपी के ऊपर आरोप ये है कि सीवरेज जो है वो बीजेपी के राज में लगा था। हमारे साथ में है नेता प्रतिपक्ष यहाँ के, उनसे बातचीत करेंगे। आपके ऊपर बड़ा आरोप। आरोप तो लगाना उनका काम है, काम तो उन्होंने कुछ किया नहीं, अब सिर्फ आरोप लगाने तक ही रह गए हैं। ये सड़क देख लो हाल, जहाँ अपन बैठे ये भी टूटी पड़ी है, न चिकित्सा की व्यवस्था न शिक्षा की व्यवस्था, लाइट अभी नहीं लगाई है मेन रोड के ऊपर जो बाड़मेर का हृदय स्थल है, आधी से ज्यादा लाइटें बंद पड़ी है। इनको काम धाम कुछ करना नहीं था, केवल नाम कर रहे हैं, अपना विकास जरूर कर रहे हैं ये लोग। ये जितने भी लोग विधायक जी के आसपास घूमने वाले हैं इनका तो खूब विकास हुआ है, बाकी बाड़मेर का विकास तो रो रहा है। और ये 15 सालों में जब इन्होंने कुछ नहीं किया था मुझसे जनता ने उम्मीद की। इनका ये भी आरोप है कि बीजेपी के लोग है वो विधायक जी को वोट देंगे। बीजेपी के लोग विधायक को वोट क्यों देंगे, ये तो लोकतंत्र है और इन लोगों को खाली मखोल बनाना है, बाकी इनको इनके पास वोट नहीं है, इनको लग गया है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, फालतू की मुद्दे ये झोंक रहे हैं। और इस बार ये बड़े भारी मतों से हारने वाले हैं, इनकी हताशा ये वर्ड जो कह रहे हैं इनकी हताशा झलक रही है इसे। अच्छा, इनकी हताशा झलक रही है। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे महिलाओं से, क्योंकि राजस्थान के अंदर महिलाओं का एक बड़ा मुद्दा है और महिला अत्याचार को लेकर भी राजस्थान सरकार को लगातार घेरते आ रहे हैं। आपका क्या मानना है, किस तरीके का महिलाओं के ऊपर अत्याचार पे क्या बोलेंगे? महिलाओं पे अत्याचार पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा बढ़ गया है राजस्थान में। अब मतलब हर जिले में कोई भी ऐसा जिला सेफ नहीं बचा है जहाँ महिलाओं पे आए दिन इस तरह के मतलब मामले नहीं हो रहे और सरकार भी कुछ कर नहीं रही है, इसको देखो तो बहुत चिंताजनक है। आपको क्या लगता है यहाँ पर कोई महिला अत्याचार के ऊपर कुछ सरकार ने काम किया है नहीं रोकने को लेकर? सरकार काम कब क्या करेगी, सरकार जिनकी है वो दबाव डालती है कानून पर, प्रशासन पर, तो कोई भी काम नहीं हो पा रहा है और आए दिन ऐसे मामले तो बढ़ते ही जा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने महिलाओं के अत्याचार के ऊपर कोई काम नहीं किया है और महिला अत्याचार लगातार बढ़े हैं। हम इसका जवाब भी लेंगे। यहाँ देखिए लोग जो है वो बहुत ज्यादा एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप हम बातचीत करेंगे, पीछे जो लोग छापे वाले बैठे उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या मानना है, कितना काम हुआ है और महिला अत्याचार को लेकर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस के राज में बहुत काम हुआ, ऐसे भी बाड़मेर जिले में मेवाराम और टीएम साहब ने जो काम बाड़मेर का कराया ऐसे कोई जिले में हुआ नहीं है ऐसा काम, कांग्रेस सरकार ने ऐसा काम। अच्छा, महिला अत्याचार की बात बहुत ज्यादा आती है, आरोप भी लगते हैं उसके ऊपर क्या कहना? महिला अत्याचार अपना बाड़मेर जिले में तो है नहीं, कोई बाहर राजस्थान में है तो हमारे पता नहीं है। बाड़मेर जिले के अंदर महिला अत्याचार कम है, इसके साथ ही कुछ और लोग भी हैं, आपसे बातचीत करेंगे। आपका क्या मानना है, किस तरीके का हुआ है, महिला अत्याचार पे क्या कहेंगे? भाई हमने तो बाड़मेर में कोई अत्याचार देखा नहीं महिलाओं पे। आप महिला सक्रिय है, अगर बीजेपी के भाई बोल रहे हैं कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहा तो आप मणिपुर पे क्या बोलेंगे इनसे, ये मैं पूछना चाहूंगा। बाड़मेर के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा काम हुआ है, यह इनका कहना है। हमारे साथ में और भी नेता है, कुछ लोग हैं। आपका क्या मानना है, उनका कहना है चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है? चिकित्सा, पानी, ये सब जो मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे हैं, पानी, बिजली और चिकित्सा, स्वास्थ्य का मुद्दा जब ये कहते हैं तो आज भी रेफर टू जोधपुर चालू है। बाड़मेर के हॉस्पिटल में कोई भी मरीज पहुंचता है तो सबसे पहले होता है रेफर टू जोधपुर। पानी की बात करें तो हमारे विधायक महोदय जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं और उन्होंने एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा कि मैं धरने पर बैठ रहा हूँ, ये 5-7 दिन पहले की घटना। तो जब उनको पानी के लिए धरने पर बैठने की नौबत आती है और मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ता है तो एक बार आईने में अपने को उनको जांचना चाहिए, परखना चाहिए। 15 साल से आप विधायक हो, राज्य मंत्री का दर्जा है और आप पानी जनता को पिला नहीं पा रहे हो, किस मुंह से आप विकास की बात कर रहे हो, कैसा विकास?
सबसे बड़ा आरोप की जनता को पानी नहीं मिला है और इसको लेकर विधायक खुद के द्वारा भी लगातार यहाँ पर मुख्यमंत्री को लेटर लिखा गया, आपका क्या मानना है? बिल्कुल कोई विकास नहीं हुआ है, विकास के नाम पर ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। बिसाड़ा में हमारे सीएससी है, एक भी डॉक्टर, अभी आप जाओगे कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको, चिकित्सा के ऊपर जाओगे चाहे सड़क पे जाओगे, सड़क में ये विधायक जी एक बार